हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि ओप्पो फाइंड N3 फ्लिप फ़ोन में आप लोग डेवलपर मोड को कैसे इनेबल कर सकते हो। अगर आपके पास एक ओप्पो फाइंड N3 फ्लिप फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आप लोगों को डेवलपर मोड को ऑन करना है और डेवलपर मोड के में जो है जो सेटिंग्स वगैरह होते हैं उन सबको जो आप लोगों को यूज़ करना है, तो कैसे आप लोग इस डेवलपर मोड को ऑन कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेवलपर मोड को ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस अबाउट डिवाइस का, तो इस अबाउट डिवाइस के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस वर्शन का, तो इस वर्शन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर और एक ऑप्शन होगा बिल्ड नंबर का, तो इस बिल्ड नंबर पर जो है आप लोगों को क्लिक करना है 7 बार। तो जब आप लोग 7 बार यहाँ पर लगातार क्लिक कर देंगे तो आपका जो डेवलपर मोड है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को 7 बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो फ़ोन का पासवर्ड है वो यहाँ पर डाल देना है। डालते ही आपका जो डेवलपर मोड है वो इनेबल हो जाएगा। तो डेवलपर मोड आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा गाइस, यहाँ पर सेटिंग्स में आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर एक एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, एडिशनल सेटिंग्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोगों को डेवलपर ऑप्शन, तो इस पर क्लिक कर दीजिए और देख सकते हैं ये रहा डेवलपर ऑप्शन हमारे फ़ोन में ऑन हो गया है। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने ओप्पो फाइंड N3 फ्लिप फ़ोन में डेवलपर मोड को इनेबल कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।